नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर एयरपोर्ट के लिए लगभग 95% किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति दे दी है और लोगों की माने तो जल्द ही एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। लगभग किसानों ने प्रशासन को निर्धारित प्रारूप सौंप कर अपनी सहमति दर्ज करा दी है। जमीन की सहमति नहीं देने के कारण प्रशासन ने मुकिमपुर सिवारा गाँव की जमीन लेने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब से सिवारा गाँव के किसानों ने भी अपनी जमीन देने के लिए सहमति दर्ज करा दी है। प्रेस ने मुकिमपुर सिवारा के किसानों से बात की। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये लहलाते खेत और ये खड़े हुए सुंदर पेड़, यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण होना है। किसानों की मांग थी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, साथ ही विकास भी मिले। इसी मुद्दे को लेकर हमने बात की है मुकिमपुर सिवारा के किसानों से, जिन्होंने पहले अपनी जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन जब 98% लोगों की सहमति हो चुकी है तो एयरपोर्ट बनना अब फाइनल हो चुका है। मुकिमपुर सिवारा के जो किसान हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन हमारी मूलभूत जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी अनदेखा ना किया जाए। तो इसी एयरपोर्ट की समस्या को लेकर जिन लोगों ने अभी अपनी ज़मीन देने के लिए मना कर दिया था, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है कि पहले उन लोगों ने मना कर दिया था अपनी ज़मीन देने के लिए और अब उनकी क्या राय है, क्या चाहते हैं। क्या है हमारी अब तो राय तो यही है, सहमति तो हमने दे ही दी है जी, लेकिन अब यही सोच रहे हैं कि मतलब हमें सुविधा जितनी भी है का वो सुविधा हमें ठीक ठाक ही मिल जाए। गांव जैसे स्थापित होने हैं वो भी हमें, जैसे अब हम आपने हाईवे के एक आध किलोमीटर ही उल्टी तरफ हैं, ऐसे ही हम यही की साइड पे मतलब एक आध किलोमीटर के आसपास का ही हम जेवर में और जेवर ब्लॉक में ही हम बसाए गए, सबसे बढ़िया है। कान है का ये तो ये चाह रहे हो भाई, हमें पैसा भी चोखो मिल जाए मुआवजे को और विकास भी हमारा ना जाना चाहिए। या तो हर आदमी घुड़की तो दे ही है कि मुआवजे की बदौलत है कि भाई हम हमारा मुआवजो भी बढ़ जाए और विकास भी हमारा यहाँ पे कहीं और ना जाए। थोड़ा सा मुआवजे बढ़ाने की कोशिश करिए। नहीं, लेकिन दूसरे किसान जब दे चुके हैं तो उसमें फिर कैसे होगा फिर? वो तो सबको बढ़ाया जाए, बढ़ा जाना चाहिए। हमने भी सहमति लगा चुकी, 40 बीघे जमीन पहले लगा चुके। आप सहमति लगा चुके हैं? लगा चुके हम, और नौकरी वगैरह तो ये है ही सुविधा, और कुछ सुविधा दे दीजिए। जिस नाम से गांव बसाया जाएगा वहां पे वही नाम धरा जाए गांव का, जैसे मुकिमपुर से बारा के नाम से ही बसाया। हमारा गांव फर्स्ट में लिया जा रहा था, अभी भी लिया जाए, जैसे कि आप पीछे छोड़ दिया, नहीं दे रहे हैं। यही मुआवजा बढ़ाया जाए, हमारे लिए सारी सुविधा दिया जाए, हर चीज के लिए यही है। जैसे हमारे ये नाम लिखे थे, अब तो ये नाम लिख के ही ले गए, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा है कि हमारा गाँव तो बिल्कुल ही हटा दिया, फ्रंट पे है ही नहीं, तो अभी तक कोई नाम में नहीं है। हमारे गाँव की सहमति भी अच्छी लगी हुई है, लोगों ने सहमति अच्छी दिया है, संगठन बढ़िया दिया था। वीरेंद्र जी ने भी बहुत वो करा था, पर लेकिन जब भी हमारा गाँव नहीं आया जो फर्स्ट में था। हमारी मांग है कि जैसे कि पहले सन 2013 में जो अधिग्रहण बिल पास किया था कांग्रेस सरकार ने, तो हमारी यह है कि वो भी तो सरकार ने किया था, और जब बीजेपी विरोध में थी इन्होंने ही करवाया था। हम चाहते हैं कि जो कानून बनाया है तो उसके आधार पर हमको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, इस वजह से हम अभी सहमति नहीं दे रहे हैं। मुकिमपुर सिवारा के बाद जेवर प्रेस की टीम गांव किशोरपुर पहुंची। प्रशासन की माने तो किशोरपुर गांव के अधिकतर किसान अपनी जमीन देने के लिए सहमति दर्ज करा चुके हैं, लेकिन किशोरपुर में भी कुछ किसान असंतुष्ट नजर आए। लॉ में लिखा हमें कानूनी तरीके से पूरा हक है अपने अपने लोगों का मांगने का, हम उसी से हक अपना मांगेंगे और जाएंगे 100% जाएंगे। हमारी तो भैया पूरी सहमति है और बनना भी चाहिए जी। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि विकास के लिए एयरपोर्ट जरूरी है।
व्यक्ति होगा, क्षेत्र में विकास होगा, बच्चे जो है उन्हें नौकरी मिलेगी, फैक्ट्री एरिया आएगा। सरकार की शर्तों से वो नहीं है, मतलब सहमत नहीं है, और हमारा मुआवजा भी हमें जो सर्किल रेट है उसके चार गुने के हिसाब से देना चाहिए था, सरकार ने नहीं दिया है, नहीं देने की वो घोषणा कर रहे हैं, कुछ भी लिखित में नहीं दिया है सरकार ने, इसलिए हम उनकी शर्तों से सहमत नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट जाएंगे और अपने हक मांगेंगे सरकार से, कानून की व्यवस्था है तो इसलिए हम अपना हक मांगेंगे। किसी सरकार कुछ भी कहती है या नहीं कहती है, जब इनका 95% हो गया है तो ये अपना मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को, इनको मुआवजा देना चाहिए, ये सब अफवाह है। 95% हो गया के लिए किसी के लिए लिख कर कुछ देते नहीं है, ये किसी ने कुछ लिख कर दिया है क्या, डीएम एसडीएम किसी ने कुछ बोला है लिखित में, कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया ना, तो ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये अफवाह फैलाई जा रही है। अभी कोई पूरी पक्की सहमति नहीं है और हम तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ हम अपना हक ले लेंगे। जो किशोरपुर गांव में जो सहमति मिल रही है, लोग वहाँ रोज रोज अगर सहमति लगा रहे हैं अपनी, रोज 4 से 5 और 5 से 7 लोग वहाँ दियाते हैं, और जो आस पड़ोस के जो गांव हैं उनकी हमें कोई जानकारी है नहीं। कितने लोग लगभग किशोरपुर में अभी तक सहमति लगा चुके हैं? कम से कम लगा दी होगी 40% के आसपास। ये सुनने में आ रहा है कि 98% सहमति लग चुकी है आसपास के गांव में, लगता है आपको? नहीं, मैं तो अपने ही गांव से कहूंगा, जब हमारे गांव में 40% लगी, दूसरे गांव में कैसे मान लूंगा, शायद हो सके किसी ने दी हो या ना दी हो। जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने दयांतपुर नगला, शरीफ खान नगला, गणेशी और रोही गांव के किसानों के साथ बैठकर उनसे एयरपोर्ट के लिए सहमति देने का आग्रह किया। विधायक ने कहा, जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद पूर्ण ध्यान प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर होगा, किसानों को जमीन की सहमति देने पर अफसोस नहीं करना पड़ेगा। काम तो एयरपोर्ट का लगभग पूरा सा हो गया है और कामगार मजदूरों का भी सभी लोगों ने सहमति बड़ी हंसी खुशी दी है। माननीय विधायक जी ने काफी प्रयास दिन रात एक कर दिया लोगों को समझाने में इस क्षेत्र के विकास के लिए जी, और अब तो जो है खुशखबरी आपको जल्दी मिलेगी कि प्रधानमंत्री आगे यहाँ शिलान्यास करेंगे अगले महीने। विधायक जी का क्या सहयोग रहा है इस पूरे प्रकरण में? देखिए जी, उनका तो सहयोग इतना है कि आज एयरपोर्ट और विधायक जी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। अगर क्षेत्र में एयरपोर्ट आता है तो उसका पूरा श्री माननीय विधायक जी को ही जाएगा, और उनके अथक प्रयास से ही ये संभव हुआ है।